साहब ये बड़ी तारीखी मस्जिद है, मतलब माशाल्लाह आपकी तारीख से भी इसका ऐसे देखें। तूबा मस्जिद जो है, मैं मेरा जो घर है उसका नाम भी तूबा है और इस मस्जिद की निस्बत से रखा गया मेरा। बिल्कुल आप मेरे घर में कभी आए तो मेरे घर की जो बेलकनी है, खिड़की है, वो मस्जिद तूबा पे खुलती है। और ये मुझे नहीं पता आप लोगों ने मुझे वजह से इसको चूज किया या इत्तफाकन हो गया। ये इत्तफाकन अहमद साहब, अहमद भाई के इत्तफाक। तूबा मस्जिद माशाल्लाह बड़ी तारीखी मस्जिद है, डॉक्टर बाबर हमीद साहब होते थे। अब ये मैं ईयर भूल रहा हूँ, 1967 की बात है या 65 की। उन्होंने बड़े बेहतरीन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसको बनाया। इसमें तकरीबन अंदर का जो हिस्सा है उसमें तकरीबन 3,000 के करीब लोग और पूरी इहाते के अंदर मिला के 8,000 से 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, अभी भी मैं जाता हूँ, नमाज यहीं पढ़ता हूँ। आपकी मोहल्ले की मस्जिद? मेरे मोहल्ले की मस्जिद है, रमज़ान की रातें। और मेरा बड़ा यानी आप समझ लें कि ये तो मेरी ज़िंदगी है, तूबा मस्जिद जो है मेरा पूरा। और मस्जिद वैसे भी आपके दिल के करीब होनी चाहिए, ये मस्जिद तो मेरी अपनी मस्जिद है। और इसकी एक और खासियत ये भी है कि पूरी दुनिया के अंदर गुंबदों के एतबार से सबसे बड़ा जो मस्जिद का गुंबद है इसी मस्जिद तूबा का है। और कोई पिलर भी नहीं है, कोई पिलर भी नहीं है बिल्कुल, उसके जो आसपास जो है कोई पिलर भी नहीं है। इसका गुंबद जो है तकरीबन 48 मीटर के करीब इसका कुतुर है, कि जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इसका मतलब। ये हमारा आज का सवाल भी था मुफ्ती साहब की नस्बत से, वाकई में बड़ी खूबसूरत बात है कि उनकी घरेलू या उनकी मोहल्ले की मस्जिद।